पुरानी जनरेशन से लेकर नई जनरेशन तक हर कोई आज साल 1989 के आइकॉनिक सीरियल रामायण की बात कर रहा है। उस वक्त VFX और विजुअल इफेक्ट्स की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन तब भी एक्टर्स और डायरेक्टर्स ने अपने परफॉर्मेंसेस और स्क्रीन प्ले के जरिए कुछ बेहद ही आइकॉनिक मोमेंट्स को क्रिएट किया था। आप लिटरली इन एक्टर्स और उनके द्वारा प्ले किए गए कैरेक्टर्स के इमोशंस को फील कर सकते हैं। अब दोस्तों, आदि पुरुष के पास एक बहुत अच्छा मौका था इन मोमेंट्स को एक ग्रैंड स्केल पर अपनी नई टेक्नोलॉजी के जरिए दिखाने का, लेकिन उस इमोशन के साथ कोई भी इस मूवी से कनेक्ट नहीं कर पाया जिस इमोशन से साल 1989 में रिलीज हुए रामायण सीरियल से हुए थे। अभी सीरियल का हर एक फ्रेम आर्ट की तरह था जो आपके मन में एक तरह से शांति को ले आता था। आज मैं आपको रामायण सीरियल के कुछ ऐसे मोमेंट्स के बारे में बताऊंगा जिसने हमें इमोशनल और साथ ही साथ हमारे रोंगटे भी खड़े कर दिए थे। नंबर 1, श्री राम ब्रेक शिवजी धनुष। दोस्तों, जब राजा दशरथ के चारों बेटे बड़े और ताकतवर बन गए थे, तब स्वामी विश्वामित्र उनके राज्य में आए थे ताकि वो राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम में ले जा सके और वे वहां मौजूद राक्षसों का सर्वनाश कर सके। जब राम और लक्ष्मण ने सभी राक्षसों को मार दिया, तब विश्वामित्र उन्हें पड़ोस के राज्य मिथिला ले गए जहां सीता का स्वयंवर चल रहा था। अब वहां के राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो भी भगवान शिव के धनुष को उठाएगा वही सीता से शादी करेगा। अब सभा में विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण भी आए थे। सभा में मौजूद सभी राजाओं ने एक एक करके धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। तब राजा जनक बहुत उदास हुए और कहने लगे कि इस धरती पर कोई वीर नहीं है जो धनुष उठाकर उनकी बेटी सीता से शादी कर सके। अब ये सुनकर लक्ष्मण बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने उठकर कहा कि जहाँ दशरथ पुत्र सूर्यवंशी राम हो वहाँ कोई चीज। विश्वामित्र की आज्ञा लेकर श्री राम धनुष उठाने के लिए उठते हैं और उन्होंने न केवल धनुष को उठाया बल्कि उसे इतनी जोर से खींचा कि वो दो टुकड़ों में टूट गया। अब इस सीन को जिस तरह के म्यूजिक और इमोशन के साथ दिखाया गया है, किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सभी एक्टर्स ने बेहद ही ब्रिलियंटली इसमें परफॉर्म किया है। नंबर 2, श्री राम गोज इनटू वनवास। दोस्तों, जब राजा दशरथ के कहने पर राम, सीता और लक्ष्मण अपना राज्य छोड़कर वनवास को निकलते हैं, तो आप हर एक कैरेक्टर की स्थिति समझ सकते हैं। एक तरफ केकई है जो इस बात से बेहद ही खुश होती है कि अब उसका बेटा भरत राजा बन पाएगा, वहीं एक तरफ राजा दशरथ है जिन्हें ना चाहते हुए भी अपने बेटे को वनवास के लिए भेजना पड़ रहा है, और एक तरफ श्री राम है जो अपने पिता से बिना किसी सवाल के उनकी आज्ञा का पालन करने निकल पड़ते हैं। प्राण जाए पर वचन ना जाए, श्री राम अपनी इस नीति को लेकर सीता और लक्ष्मण के साथ वन में चले जाते हैं। अपने पिता की तरफ इतनी निष्ठा देखकर किसी का भी मन भर जाएगा। नंबर 3, भरत मिलाप। दोस्तों, राम, सीता और लक्ष्मण के जाने के सिर्फ 2 दिन बाद ही राजा दशरथ की मौत हो जाती है। जब भरत को ये पता चलता है कि उनकी माँ केकई की वजह से भैया श्री राम वनवास के लिए चले गए हैं, तो वो बहुत ही गुस्सा होते हैं और खुद वन में आकर राम को अपने साथ अयोध्या ले जाना चाहते हैं। अब ये कहा जाता है कि जिस जगह पर श्री राम और भरत मिले थे वहां के पत्थर तक उनके मिलाप से पिघल गए थे। अब लॉकडाउन में जब ये एपिसोड रिलीज हुआ था, तब हर जगह पर केवल राम और भरत की ही बात हो रही थी। श्री राम अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए अटल रहे थे और अयोध्या आने से मना कर देते हैं। तब भरत श्री राम के चरण पादुका को अपने सर पर रखकर अयोध्या लौटते हैं और वचन देते हैं कि वो कभी भी राजा की गद्दी पर नहीं बैठेंगे। नंबर 4, राम विजिट्स सबरी। दोस्तों, जब भगवान श्री राम सीता माँ की खोज में जंगल में यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं, तब उनकी मुलाकात वहाँ रहने वाली एक बूढ़ी औरत सबरी से होती है। सबरी एक नीची जाति की औरत होती है। वो भगवान श्री राम की बहुत बड़ी भक्त होती है। वो उन्हें अपने घर में बुलाती है और फल खाने के लिए देती है, लेकिन हर फल को देने से पहले वो खुद उन्हें खाकर देखती है कि कहीं वो खट्टे तो नहीं है। रामायण की ये कहानी आज के समय के लिए भी लागू होती है। भगवान की तरफ जो श्रद्धा और प्यार है वो कास्ट या फिर रिलीजन तक सीमित नहीं है। नंबर 5, हनुमान गोज टू लंका। दोस्तों, सीता माता की खोज करते हुए हनुमान जी अपने साथियों के साथ दक्षिण दिशा के समुद्र तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें ये पता चलता है कि राक्षस राज रावण सीता को अपनी सोने की लंका में ले गया है, लेकिन अब इतना बड़ा समुद्र पार करके लंका जाए कौन। तब हनुमान अपने अंदर की छुपी हुई शक्ति को पहचानते हैं और एक ही छलांग में लंका पार कर लेते हैं। हनुमान के दृढ़ निश्चय और भगवान श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा की वजह से वो ये कर पाते हैं। अभी आपको ये स्पेशल इफेक्ट्स बच्चों जैसे लग रहे होंगे, लेकिन उस वक्त के लोगों के लिए ये अवतार मूवी के स्पेशल इफेक्ट्स से कम नहीं था। नंबर 6,
हनुमान मीट्स सीता माता। दोस्तों लंका में खोज करने के बाद हनुमान जी को अंत में सीता माँ अशोक वाटिका में मिल जाती है। ये सीन इमोशंस से भरा हुआ है। हनुमान जी अपने असली पहचान के बारे में बताते हैं कि कैसे राम भगवान ने उन्हें यहाँ पर संदेश के साथ भेजा है। इतने दिनों के दुख के बाद सीता के चेहरे पर पहली बार राहत और खुशी आती है। ये सच में दिल को छू देने वाला मोमेंट होता है। नंबर 7, राम सेतु। दोस्तों अब सीता माँ तो मिल गए, लेकिन रावण को हराने अपनी सेना लेकर राम भगवान लंका जाए कैसे? तब समुद्र देव उनके सामने आकर कहते हैं कि पत्थर पर श्री राम का नाम लिखने से वो अपने आप पानी में तैरने लगेंगे। तब पूरी की पूरी वानर सेना पत्थर पर श्री राम लिखकर एक बड़ा सा पुल बनाते हैं। अब ये इस बात को दिखाती है कि भले ही श्री राम एक इंसान का रूप थे, लेकिन असल में वो भगवान से भी बढ़कर थे। ये वानर सेना के डिवोशन को भी दिखाता है। कहा जाता है कि ये पत्थर तभी पानी पर तैरता है जब कोई सच्चे मन से भगवान श्री राम का नाम उस पर लिखता है। नंबर 8, हनुमान ब्रिंग्स संजीवनी। दोस्तों रावण के साथ युद्ध करते समय लक्ष्मण बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। उन्हें ठीक करने के लिए एक वैद्य कहता है कि केवल हिमालय पर मिलने वाली जड़ी बूटियों से ही उन्हें ठीक किया जा सकता है। हनुमान इस काम को अपने ऊपर लेते हैं और हिमालय की तरफ उड़ जाते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि यहां तो बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। कोई रास्ता ना दिखाई देने पर वो पूरा का पूरा पहाड़ ही उठाकर ले आते हैं और लक्ष्मण की जान बच जाती है। अब उसके बाद श्री राम के दिल में हनुमान हमेशा के लिए बस जाते हैं। श्री राम जो अपने भाई को घायल देख टूट से गए थे, उनके लिए हनुमान किसी देवता से कम नहीं थे। नंबर 9, राम डिफीट्स रावण। दोस्तों कई दिनों तक चले राम और रावण के घमासान युद्ध के बाद भगवान श्री राम अपने तीर धनुष से रावण को मार गिराते हैं। रावण के मरने के बाद जहां एक तरफ राम की पूरी सेना खुशी मना रही होती है, वहीं विभीषण अपने भाई की मौत का शोक मना रहा होता है। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि लंका की सेना और खुद रावण की मौत रणभूमि में हुई है और ये उनके लिए बहुत आदर की बात है। इस मोमेंट में एक तरफ हम भगवान श्री राम की जीत को देखते हैं और दूसरी तरफ दुख भी देखते हैं जो युद्ध के अंत में आता है। ये चीज हम आज के मॉडर्न वर्ल्ड से भी जोड़ सकते हैं। हर कोई लड़ाई करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन लड़ाई के बाद जो दुख आता है उसके लिए कोई भी तैयार नहीं रहता। 10, राम्स रिटर्न। दोस्तों रावण के साथ हुए युद्ध के अंत के साथ ही भगवान श्री राम के वनवास का भी अंत हो जाता है और वो सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट आते हैं। वहाँ पर भरत 14 साल से राम के आने का इंतजार कर रहे होते हैं और आते ही राम को राजा घोषित कर दिया जाता है। श्री राम का अयोध्या आना हम सबको ये दिखाता है कि अंत में बुराई के ऊपर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। रामायण के सीरियल में जिस तरह के म्यूजिक, स्थिरता और एक्टर्स के इमोशंस के साथ इन सीन्स को दिखाया गया है, आप एक पल के लिए भूल जाएंगे कि इसे 30 साल पहले बनाया गया था। आज भी अगर रामायण के नए सीरियल के अनाउंसमेंट हो तो मुझे नहीं लगता कि वो इस सीरियल को टक्कर दे पाए। वैसे क्या आपने इस सीरियल को पूरा देखा है? और देखा है तो इसमें से कौन कौन से सीन्स ने आपको गूज़बम्प्स दे दिया था, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर लिखना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।